हे गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो गाइज, आपने आजकल लिरिकल वीडियो देख लिया होगा कितना अच्छा हो चुका है। तो गाइज, आपको सिंपली इस तरह वीडियो बनाने के लिए अलाइट मोशन ऐप लगेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन ऐप अवेलेबल नहीं होगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगा। यदि आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या आप अपने टेलीग्राम पर जाकर तेजस क्रिएशन YT सर्च कर सकते हो। और यार, अगर अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम आएंगे तो प्लीज़ यार अपने वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर गाइस, आज के वीडियो की ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है, फिर आपको प्रोजेक्ट में जाना है। ये जो दो प्रोजेक्ट है ये मैंने आपको दिए हैं, तो आपको सिंपली इंपोर्ट कर लेने हैं। इसकी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो गाइस, इतना होने के बाद सिंपली आपको जो बिटबुकमार्क प्रोजेक्ट है इसको आपको सिंपली ओपन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने जो म्यूज़िक है उस पर ऑलरेडी बुकमार्क करके रखा है, तो आप इसके अलावा दूसरा सॉन्ग यूज़ करके उस पर बुकमार्क कर सकते हो। तो गाइस, इतना होने के बाद आपको सिंपली शुरू में जाना है, फिर आपको प्लस पे टैप करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। व्यूअल में जाने के बाद आपको सिंपली जिस इमेज पर वीडियो बनाना है वो इमेज सिंपली आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो गाइस, इस तरह ऐड होने के बाद आपको सिंपली मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है, फिर आपको स्केल पर जाना और इस तरह इसको थोड़ा फुल कर देना है। तो गाइस, इतना होने के बाद सिंपली आपको फिर से इस पर टैप करना है और आपको सबसे लास्ट में लेकर आना है और इस तरह इसको फुल कर देना है। तो गाइस, इतना होने के बाद आपको सिंपली शुरू में जाना है, फिर आपको बैक जाना है, फिर आपको इफेक्ट बाय तेजस क्रिएशन में जाना है। तो गाइस, ये जो आपको फर्स्ट TC लोगो दिख रहा है इस पर आपको टैप कर देना है, इफेक्ट को जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके इस तरह इसको कॉपी कर लेना है। तो गाइस, इतना होने के बाद सिंपली आपको फिर से प्रोजेक्ट में जाना है और जो इमेज ऐड किया था उस पर टैप कर देना है, इफेक्ट में जाना है और इस तरह इसको पेस्ट कर देना है। तो गाइस, इतना होने के बाद सिंपली आपको ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में जाना है। तो यहाँ पर आप इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं जो ब्राइटनेस है उतनी ऐड कर देता हूँ। तो गाइस, इतना होने के बाद सिंपली आपको बैक जाना है, फिर आपको प्लस पे टैप करना है और टेक्स्ट में जाना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली टेक्स्ट लिखना है, तो जो टेक्स्ट है मैंने ऑलरेडी नोटपैड पे कॉपी करके रखा है, तो यहाँ से आपको सिंपली जो फर्स्ट टेक्स्ट है इस तरह से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ आने के बाद इस तरह आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपको सिंपली इस लेयर पर टैप करना है, फिर आपको फॉन्ट में जाना है, व्यू ऑल फॉन्ट में जाना है, इस पर टैप करके सिंपली आपको इम्पोर्ट फॉन्ट में जाना है। तो मैंने जो फॉन्ट है ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है, तो आपको सिंपली इस तरह ऐसे इंपोर्ट कर लेना है और जो बेसिक फॉन्ट है इसको आपको सिंपली ऐड कर देना है। तो गाइस, इतना होने के बाद सिंपली आपको इसके साइज़ में जाना, इसकी साइज़ आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं सिंपली 14 रख देता हूँ। फिर आपको कलर पे टैप करना है और कलर इसका आपको वाइट ऐड कर देना है, आप आपके हिसाब से दूसरा कलर ऐड कर सकते हो। फिर आपको सिंपली ओके कर देना है, फिर आपको मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है और इस तरह आपको बराबर बीच में एडजस्ट कर देना, सिंपली इस पर टैप कर देना है, फिर आपको सबसे लास्ट में लेके जाना है, इस तरह इसको फुल कर देना है, तो शुरू में जाना है। तो गाइस, इतना होने के बाद सिंपली आपको जो एरो है इस पर टैप कर देना है और इस लेयर पर टैप करके इस तरह इसको स्प्लिट कर देना है। तो गाइस, इतना होने के बाद सिंपली जो फर्स्ट लेयर है इस पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, तो ये जो टेक्स्ट है आपको कट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको इमोजी ऐड करना है, तो सिंपली आपको इस तरह यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर आपको फॉन्ट में जाना है, व्यू ऑल फॉन्ट में जाना है और फॉन्ट को सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है, तो जो iOS फॉन्ट मैंने दिया इसको सिंपली आपको ऐड कर देना है। फिर आपको कलर पे टैप करना है और सेकंड नंबर के लेयर पर टैप करना है, फिर आपको इस तरह सिंपली माइनस कर देना है और आपको ओके कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो जो फर्स्ट इमोजी है वो अच्छी तरह से ऐड हो चुके हैं। तो गाइस, इतना होने के बाद सिंपली आपको इस एरो पर फिर से टैप करना है, इस पर टैप करके इस तरह इसको आपको स्प्लिट कर देना है और जो फर्स्ट टेक्स्ट है आप देख सकते हो अच्छी तरह से ऐड हो चुका है। तो गाइस, इतना होने के बाद आपको सिंपली सेकंड टेक्स्ट पे जाना है, फिर आपको इस एरो पर टैप करना है और इस पर टैप करके इस तरह स्प्लिट कर देना है। तो गाइस, जो सेकंड टेक्स्ट है आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से सिंपली आपको कट कर देना है और जो कीप नोट में टेक्स्ट लिखा है जो सेकंड टेक्स्ट है आपको इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो इस तरह कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और आपको ओके कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो जो सेकंड टेक्स्ट है वो भी अच्छे तरह से ऐड हो चुका है। तो गाइस, इसके बाद आपको सिंपली थर्ड टेक्स्ट पर जाना है और आपको इस पर टैप कर देना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, तो इसको कट कर देना है और यहाँ आने के बाद जो थर्ड टेक्स्ट लिखा था इस तरह आपको कॉपी कर लेना है
और यहाँ आने के बाद इस तरह आपको पेस्ट कर देना है और आपको ओके कर देना है। तो गाइस आपको सिंपली इस पर टैप कर देना और इसको आपको स्प्लिट कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो जो थर्ड टेक्स्ट है वो भी अच्छी तरह से ऐड हो चुका है। तो गाइस आपको इसी तरह से जो ऑल टेक्स्ट है सिंपली आपको ऐड करना है, तो मैं कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो जो ऑल टेक्स्ट है मैंने अच्छी तरह से ऐड कर लिया, तो आपको इसी तरह से सिंपली ऐड कर लेना है। तो गाइस इतना होने के बाद आपको सिंपली शुरू में जाना है, फिर आपको सिंपली बैक जाना है, फिर आपको फिर से इफेक्ट में जाना है। तो यहाँ पे जो मैंने तेजस क्रिएशन आपको इफेक्ट दिया है इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है, इफेक्ट में जाना है, इस तरह इसको आपको कॉपी कर लेना है और सिंपली इसको बैक लेना है। और प्रोजेक्ट में जाने के बाद जो आपका फर्स्ट टेक्स है इस पर आपको टैप कर देना है, इफेक्ट में जाना है, इस तरह इसको पेस्ट कर देना है। जो सर्कुलर रिपल इफेक्ट है इस पर आपको टैप कर देना है और इसकी फ्रिक्वेंसी आपको सिंपली 10 कर देनी है। तो गाइस इतना होने के बाद आपको सिंपली इस तरह नीचे आना है, रेडियस इसके 0 रहेंगे तो आपको सिंपली इसको फुल कर देना है। तो गाइस इतना होने के बाद सिंपली आपको बैक जाना है, फिर आपको ग्लो में जाना है और ग्लो में जाने के बाद आपको सिंपली जो अल्फा है अल्फा आपको इस तरह फुल कर देना है और हार्डनेस को इस तरह आपको 0 कर देना है। फिर आपको कलर पे टैप करना है, यहाँ से आपको जो कलर ऐड करना है आप कर सकते हो। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली ब्लेडिंग मोड पर टैप कर देना है, यहाँ पे आपको सिंपली नॉर्मल कर देना है। तो गाइस इतना होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड करना है, तो सिंपली आपको ऐड इफेक्ट पे टैप कर देना है और यहाँ पे आपको फेड इन आउट इफेक्ट ऐड कर देना है, फिर आपको इस पर टैप कर देना है और ये जो आउट है आपको सिंपली 1.10 सेकंड कर देना है इस तरह से। तो गाइस इतना होने के बाद सिंपली आप देख सकते हो जो इफेक्ट अच्छी तरह से लग चुका है। तो गाइस इस पर आपको टैप कर देना और इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है और जो सेकंड टेक्स है इस पर जाना है, इस तरह आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इतना होने के बाद गाइस आप देख सकते हो जो सेकंड टेक्स है उस पर भी अच्छी तरह से इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो गाइस आपको सिंपली थर्ड टेक्स पर जाना है, इफेक्ट में जाना है, इस तरह इसको पेस्ट कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो जो फोर्थ टेक्स है उस पर भी इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो गाइस आपको इस तरह सिंपली इफेक्ट ऐड कर देना है और आपको जहाँ से कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो जो ऑल टेक्स है उस पर अच्छी तरह से इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो गाइस इतना होने के बाद सिंपली आपको शुरू में जाना है। तो गाइस इतना होने के बाद सिंपली आपको प्लस पे टैप करना है, फिर आपको इमेज एंड वीडियो में जाना है। व्यू ऑल में जाने के बाद मैंने आपको एक इफेक्ट दिया है, वो इफेक्ट आपको सिंपली इस तरह यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर आपको ब्लेडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है, लाइटन में जाके इस तरह लाइटन कर देना है और इसकी जो आपको साइज़ है आपको सिंपली 70 के आसपास रख देनी है, तो मैं 70 रख देता हूँ। तो गाइस इतना होने के बाद आपको सिंपली जहाँ तक आपका बीट है वहाँ तक आपको लेके जाना है, आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सिंपली कट कर देना है। तो गाइस यहाँ से आपको सेकंड इफेक्ट ऐड करना है, तो आपको सिंपली प्लस पे टैप करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। व्यू ऑल में जाने के बाद जो सेकंड इफेक्ट है आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है, फिर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके इस तरह इसको फुल स्क्रीन कर देना है, फिर आपको ब्लेडिंग एंड ओपेसिटी पे टैप करना है, लाइटन में जाना है, इस तरह इसको आपको लाइटन कर देना है और इसकी जो आपको साइज है आपको उसी तरह से 58 रख देनी है। इतना होने के बाद आपको सिंपली शुरू में जाना है, फिर आपको सेटिंग पे टैप करना है, फ्रेम रेट यहाँ पे आपका 30 FPS रहेगा तो आपको ध्यान से 60 FPS कर देना है, फिर आपको एक्सपोर्ट पे टैप करना है और सिंपली आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ यार अपनी वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।